नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज ये चौथी कॉल है। जैसे कि आपको पता, क्वार्टर 2 के रिजल्ट का सीजन चल रहा है। तो कल एक और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी का रिजल्ट आया, तो उसके ऊपर बात करने से पहले, आज 14 तारीख है और शाम के 7:15 मार्केट कल ऑन होते सिंगी। कल जब मार्केट ओपन होगी तो इस शेयर के अंदर अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस शेयर को आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो डेफिनेटली प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो कंपनी का नाम है जी आर एस गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। जी आर एस की बात करने से पहले देखिए, कंपनी की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी हमें सुरक्षा करने की कंपनी के अंदर काम करती कंपनी। तो बेसिकली वर्किंग क्या है इनका, ये समझते हैं। तो वर्किंग है इनका, देखिए इनके प्रोडक्ट्स पर चलते हैं। शिपिंग बिल्डिंग करती हैं, इंजीनियरिंग करती हैं और इंजन बनाती है। ये तीन सेक्टरों के अंदर कंपनी, पहला काम है इनको शिप बिल्डिंग करती हैं, जो हमारी जल सेना को जो भी चाहिए होता है, ठीक है ना, जो भी हमारी नेवी को चाहिए होता है, तो जो भी हमारे शिपमेंट जितनी बनती है, तो इसका काम ये है। गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर का काम है उसको शिप बिल्डिंग करना। तो शिप बिल्डिंग करते हैं तो उसके इंजीनियरिंग भी का काम होता है, फिर उसमें इंजन जो लगते हैं वो भी ये कंपनी, ये जो सेक्टर है यानी जो ये कंपनी डिज़ाइन करती है। अब ये देखो, इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है, ये जो फ्लाईओवर्स बनते हैं, ये वाले दिस टाइप के फ्लाईओवर्स ये इंजीनियरिंग के अंदर जो बनते हैं, इस फ्लाईओवर को डिज़ाइन करती है, इस फ्लाईओवर को बनाती है, ठीक है ना। तो कंपनी का आप और मोटा मोटा आपको समझ आ गया कि इस सेक्टर की कंपनी है, इसका काम क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, ठीक है ना। अब ओवर ये समझ आ चुका है, तो अब इसके बात कर लेते हैं ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। चलिए बात करते हैं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट पे आ जाते हैं। ये आपको मोटा मोटा समझ आ चुका है किस सेक्टर की कंपनी है, ये क्या करती है, समझ आ गया। अब समझते इसके अंदर क्या चल रहा था, यानी कि फ्राइडे वाले दिन ये 12 नवंबर को ये 2.5% की तेज़ी के साथ गिर के बंद हुआ है। देखिए, ओपन होता 274.50 पे, हाई मारता 276.70 का, लो मारता 263 का। 52 हाई है 276.70 का, यानी कि फ्राइडे वाले दिन इसने अपना 52 हाई तोड़ा था, फिर उसी के बाद इसमें गिरावट आ गई थी। 52 लो है इसका 170.10, यानी 100 के मार्जिन के बीच में अभी तक ट्रेड कर रहा है। अभी तक भागा नहीं है। कब से कंपनी है, कब से ये 1884 से है रनिंग में, ठीक है ना, 1884 से रनिंग में है कंपनी, बहुत पुरानी है। अब देखिए इसके अंदर क्या चलता है, इसके अंदर 5 दिन के अंदर अभी तक 2.5% के पॉजिटिव दिए इन्हें प्लस में, और 1 मंथ के अंदर इन्हें 15% रिटर्न दिए प्लस में, 6 मंथ के अंदर इन्हें अभी तक 46% रिटर्न दिया प्लस में, ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इन्हें 31% रिटर्न दिया प्लस के अंदर। अब इसके अंदर और समझते हैं इसके अंदर है क्या। अब देखिए इसका जो देखिए, कल के दिन इसका रिजल्ट आया था, देखिए 13 नवंबर को, यानी सैटरडे वाले दिन इसमें रिजल्ट आया था इसका क्वार्टर 2 का, हाफ ईयरली का। अब रिजल्ट के ऊपर बात करने से पहले समझते इसका ओवरव्यू, तो इससे शेयर होल्डिंग समझ लेते। पहले इसकी शेयर होल्डिंग है 74.5% प्रमोटर की है, और 11.67% पब्लिक की है, और DICS का काफ़ी अच्छा होल्डिंग है इसके अंदर 12.73, और FIS की 1.1% FIS की होल्डिंग है इसके अंदर। अब टिकर टेप की साइड पे हमें क्या मिल रहा है इसके अंदर, हमें 100% एनालाइजर वाले इसके अंदर बाय करने के लिए। अब NSE की साइड पे देख ले इसके अंदर कितनी डिलीवरी उठाई गई है फ्राइडे वाले दिन, इसके अंदर देखिए 30% डिलीवरी उठाई गई है फ्राइडे वाले दिन, और अभी भी इसमें बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। कितनी क्वान्टिटी लगी है, 2424 क्वान्टिटी इसमें बाइंग के लिए लगी हुई है, यानी खुलते संगी अब ट्रेडिंग का शो दिखाएगा मंडे वाले दिन। अब इसके आ जाता है फाइनेंसली समझते हैं इसका। तो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। पहले इसका मार्केट कैप NSE BSE पे है दोनों कंपनी, इसका मार्केट कैप है 3040 करोड़ का, स्टॉक पी 15.1% है, ROCE इसका 21.2% है, बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी 99.3 की है, और इसका क्या बोलते हैं इसका ROE 14% है, फेस वैल्यू इसके 10 रुपये की डिविडेंड दे रही है, अभी तक 1.88% डिविडेंड दिया है। इसका समझ लेते हैं इसका जो क्वार्टर 2 रिजल्ट है किस में, लैक्स में, करोड़ में देख लेते हैं पहले। तो इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट है लैक्स के अंदर, तो ये समझते हैं इसके अंदर है क्या। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट समझते हैं। तो कंपनी ऑलमोस्ट क्या है, कर्जा फ्री है, कंपनी क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दे रही है, कंपनी ने डिविडेंड मेंटेन रखा है 3.25% मेंटेन रखा है, और कंपनी ने अपने कर्जा देने के दिन है जो 83.73 से घट के वो 56.99 डेज हो चुके हैं, ठीक है ना। ये इसमें प्लस है, प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है। अब देखिए सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया, यानी कल के दिन जो रिजल्ट आया था, इनकी सेल हुई है 422 लाख रुपए की सेल हुई, इनका एक्सपेंस हुआ 367 लाख का, इनको नेट प्रॉफिट आया 55 लाख रुपए का, ऑपरेशन प्रॉफिट आया 55 लाख का, और नेट प्रॉफिट आया इनको
59 लाख का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आज इनका EPS देखिए इस क्वार्टर में आया 5.13 का इनका EPS आया है। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है इस टाइम पे। अब क्वार्टर क्वार्टर वाइज देखते तो इसके अंदर देखिए पिछले लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर के अंदर इनकी सेल थी 304 लाख की हुई थी और एक्सपेंशन का 302 लाख का इनका टोटल प्रॉफिट आया था, ऑपरेशन प्रॉफिट आया था 2 लाख का और नेट प्रॉफिट आया था इनका 21 लाख का। तो EPS था इनका 1.84, यानी EPS में 4 गुना बढ़त देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट में 50% ग्रोथ देखने को मिली है और ऑपरेशन प्रॉफिट के अंदर आपको 90% तेजी मिली है और आपको 30% आपको सेल्स के अंदर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी कि इनकी जो सेल्स है रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, EPS में ग्रोथ देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब चलते हम क्वार्टर क्वार्टर वाई के अकॉर्डिंग, ईयर ईयर वाई के अकॉर्डिंग चलते सॉरी। तो देखिए जून सितंबर 2020 के अंदर इनका प्रॉफिट इनका सेल हुई थी 272 लाख की हुई थी और इनका एक्सपेंस हुआ था 339 लाख का। नेट प्रॉफिट आया था ना ऑपरेशन प्रॉफिट 33 लाख का, नेट प्रॉफिट आया था 38 लाख का। EPS था इनका 3.28, तो बढ़ के हुआ देखिए 272 से बढ़ के हुआ 422 और ऑपरेशन प्रॉफिट 33 से बढ़ के हुआ 55 और नेट प्रॉफिट 38 से बढ़ के हुआ 59 और EPS में भी 2 गुना बढ़त देखने को मिली है। तो मॉरल द स्टोरी ये है कि यह कंपनी का जो RGRSE का जो रिजल्ट आया क्वार्टर दिस सितंबर क्वार्टर का हाफ ईयर लिए काफ़ी अल्टीमेट आया, काफ़ी अच्छा। आप देख सकते हैं कि EPS में कितनी तेज़ी से गिरावट है, प्रॉफिट कितनी तेज़ी से आया, EPS बढ़ के आया 5.13 आया और आपका प्रॉफिट देखिए सेल क्वार्टर क्वार्टर भी बढ़ी है और ईयर वाइज भी बढ़ी है, ईयर वाइज 50% और क्वार्टर क्वार्टर वाइज 40% बढ़ी है और प्रॉफिट भी इनका 2 गुना आया और 40% और 40% और 2 गुना आया। ईयर 40% आया, क्वार्टरली वाइज 50% अबव आया, EPS में ग्रोथ देखने को मिली है, ऑपरेशन प्रॉफिट में ग्रोथ मिली है। डेफिनेटली कंपनी काफ़ी अच्छा अल्टीमेट रिजल्ट आया और रिजल्ट का मूवमेंट आपको मंडे को मिलेगा। अब समझाता हूँ आपको चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें कितना स्टॉप लॉस रखना है और कितने लेवल तक ये जाएगा समझते हैं इसके अंदर, ठीक है। मॉरल द स्टोरी है कि भैया आप लोगों के इसके अंदर आप होल्डिंग भी करते हो आपको डिविडेंड मिलेगा कंपनी के अंदर, कंपनी काफ़ी अच्छी है और आपको पता है गवर्नमेंट चाहती है कि अपने डिफेंस सिक्योरिटी के जितना गवर्नमेंट प्रोडक्ट डिफेंस सिक्योरिटी को जितना बढ़ा रही है, डिफेंस सिक्योरिटी के जितने प्रोडक्शन बढ़ रहे डे बाई डे, गवर्नमेंट चाहती है कि उसका प्रोडक्शन बढ़े और हमारी तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट जो भी एक्शन लिया जा रहा है बहुत तेज़ी से एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करती है हमारी सेनाओं को पूरा इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने के, हर चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। तो गार्डन रिसर्च बिल्डर्स बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग का जो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छा, वो इंजन डेवलप करते हैं, इंजीनियरिंग जो करते हैं और जो सिर्फ बिल्डिंग करता है वो काफ़ी अल्टीमेट है। मैनेजमेंट भी सही है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी डिफेंस सेक्टर से एलोकेट होकर चल रही है कंपनी। आप समझते हैं रिजल्ट के अंदर चार्ट के अंदर देखते हैं इसके अंदर चल क्या रहा है। तो देखिए चार्ट पे ज़्यादा कुछ नहीं अभी तक, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है अपने, ठीक है ना। अब इसमें हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, देखिए ये स्कैंडल के बाद से इन्वर्टेड हैमर टूल स्कैंडल ट्रेड होते इस पे स्टॉप लॉस रखना हमें 250 रुपये का, ठीक है ना। ये अब ये 250 का स्टॉप लॉस रखना, देखिए आपका इसका रिजल्ट जो है रिजल्ट का इंपैक्ट आपको मंडे को यानी कल के दिन आपको देखने का मिलेगा। तो इसमें जितनी गिरावट होती है 250 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। ये मैं आपको 15 से 20 दिन का टारगेट दे रहा हूँ, 15 से 20 दिन में मेरे तीनों टारगेट हिट होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अब ये शेयर 300 के लेवल को टच करने को तैयार बैठा हुआ है। तो इसमें जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा, इसने 52 हाई तोड़ा 276 का, 52 हाई बना था, मेरा जो मानना है मंडे के दिन इसमें 52 हाई का हाई जाएगा इसका। तो पहला टारगेट आएगा 280 का, यहाँ से 280 जाएगा, 280 का जब टारगेट हिट होगा तो दूसरा टारगेट आएगा 290 रुपये का, तीसरा आएगा 300 रुपये का। इन तीन टारगेट लिए बाय करिए, पिछले साथ होल्ड रखिए, 250 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, पहला टारगेट 280 का, दूसरा टारगेट 290 रुपये का, तीसरा टारगेट 300 रुपये का। 300 तक के लेवल अब इसमें अप मूव की तरफ वैसे दिख रहे हैं क्योंकि अभी तक लाइफ टाइम पर है, RSI MSI दोनों अप ट्रेंडिंग की तरफ दिख रहे हैं। RSI कल के दिन में आपका अप ट्रेंडिंग आ जाएगा तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, डेफिनेट थोड़ी बहुत बुकिंग होगी। बाकी 250 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, 15 से 20 दिन के अंदर आपको तीनों टारगेट हिट होंगे 280 290 300। तो तीनों टारगेट लिए आप पेशेंस साथ होल्ड रखिए, बाय करिए और काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर के रिजल्ट काफ़ी अल्टीमेट है, रिजल्ट का इंपैक्ट आपको मंडे को देखने मिलेगा स्ट्रेट इस शेयर के अंदर। तो आप प्लीज़ पेशेंस से बाय करिए, होल्ड करिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।